हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सतीश, आप सभी को स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं तजकिस्तान लीग में होने वाले मैच, इस्तिक्लाल दुशान्बे वर्सेस कैटलान के बीच में होने वाले मैच के बारे में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले दोनों टीम की प्लेइंग 11, कैप्टन और वाइस कैप्टन और की प्लेयर्स, इनफॉर्म प्लेयर्स और हेड टू हेड सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम देने वाला हूं। और फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैच की डिटेल्स देखा जाए तो मैच इस्तिक्लाल वर्सेस कैटलान के बीच में होने वाला ये तजकिस्तान लीग है फ्रेंड। और ये मैच रिपब्लिकन सी स्टेडियम फ्रूंज एमवी फ्रूंज में होने वाले हैं और ये भारत के टाइम के अनुसार मैच 7:30 बजे होगा। और फ्रेंड्स, दोनों टीम की लाइनअप देखा जाए तो देख सकते इस्तिक्लाल दुशान्बे के लाइनअप देखा जाए तो हम देख सकते हैं टीम में वो है और लारेन है, या पूरी लाइनअप है दोनों टीम की आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही कैटलान की लाइनअप देखा जाए तो इस प्रकार है, गॉडसन है, मिलिक है, लारिन है फ्रेंड्स, अरे वह ड्वाल्टमीर है फ्रेंड्स। यहाँ पर इस प्रकार लाइनअप है कैटलान टीम की। और इन दोनों टीम की ड्रीम इलेवन स्टेटस इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो ये मैच एफसी इस्तिक्लाल ने अभी तक छः पॉइंट्स के साथ नंबर वन पोजीशन पे हैं। अभी तक इस टीम ने दो मैच खेले और दोनों मैच जीत गए हैं और ड्रा नहीं हुआ, ना एक मैच भी हारी। और इस्तिक्लाल की रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो दोनों मैच जीत गए हैं। कैटलान की देखा जाए तो कैटलान सेकंड पोजीशन पे है और इस टीम ने दो मैच खेले और दोनों मैच जीत गए हैं फ्रेंड्स। और इस टीम की रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो दोनों के दोनों जीते हैं। और हेड टू हेड इन दोनों टीम के बीच देखा जाए तो अभी तक इस्तिक्लाल ने 4 मैच जीत गए हैं और कैटलान एक मैच भी नहीं देखा जाए। तो इस टीम में देख सकते हैं क्या रिकॉर्ड ब्रेक होगा, कैटलान ने मैच जीत सकती है और नहीं, लेकिन देख सकते हैं विनिंग परसेंटेज भी देखा जाए तो इस्तिक्लाल के आईएसटी की ज़्यादा विनिंग परसेंटेज है और कैटलान के देखा जाए तो 8.33 है और ड्रा देखा जाए तो 10% हो सकता है। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं कैटलान टीम ने भी लगातार 2 मैच जीते हैं, सो इस टीम को कमज़ोर सोचना गलत होगा, सो मैच कुछ टक्कर दे सकते हैं। और कैप्टन और वाइस कैप्टन की आप इन प्लेयर को बना सकते हैं, शारडियन बोवे और पारवेज बाकी अकुन, वो ये सब इन प्लेयर्स को आप कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और इनफॉर्म प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर शारडियन बोवे है, 3 गोल्स मारे हैं 2 मैचों में। और यहाँ पर इस प्लेयर की देखा जाए तो इस प्लेयर को जरूर अपने टीम में लेना। और यहाँ पर पारवेज बाकी की देखा जाए तो 1 गोल लिए 2 मैचों में और एलिस्टर की देखा जाए तो 2 गोल्स लिए तो 2 मैचों में। फ्रेंड्स, इस प्रकार है टीम डिटेल। चलिए आपको मैं ड्रीम इलेवन टीम दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैं टीम ऑलरेडी बना के रख चुका हूँ। मैंने गोलकीपर में गॉडसन को लिए, यहाँ पर मैंने डिफेंडर में 4 डिफेंडर को लिए, यहाँ पर मैंने मिलिक को लिया, लारेन को लिया, यहाँ पर देख सकते हो ड्वाल्टमीर को लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। और इस प्लेयर को मैंने वाइस कैप्टन बनाया। और यहाँ पर मैंने मिडफील्डर्स को 3 ठो लिए हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो गानो है, यहाँ पर इन 3 प्लेयर को मिडफील्डर के रूप में मैंने लिया। और यहाँ पर फॉरवर्ड प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर बॉबर है, 3 फॉरवर्ड प्लेयर्स को लिए फ्रेंड्स। यहाँ पर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस प्लेयर को मैंने कप्तान और वाइस कैप्टन बनाए हैं फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड्स पूरी टीम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।